बोलिए गौरी नंदन श्री गणेश जी महाराज की। भक्तों, देव गजानन भक्त जनों के रखवाले हैं, और जब जब उनके भक्तों पर विपदा पड़ती है तब तब गणपति बप्पा अलग अलग रूप धरकर धरा पर आते हैं तथा अपने भक्तों के समस्त कष्टों को मिटाते हैं। आइए आज मैं आपको भगवान श्री गणेश जी के 8 अवतारों की संगीत में कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको ज्ञात होगा कि कैसे गणपति बप्पा ने अलग अलग रूप धारण किए और अपने भक्तजनों की तथा देवी देवताओं की रक्षा की। तो एक बार फिर मेरे साथ प्रेम और श्रद्धा मन में लिए एक बार फिर बोलिए, बोलिए देवता गजानन भगवान की। सुनाऊं भक्तों श्री गणेश की कहानी, आओ सुनाऊं भक्तों श्री गणेश की कहानी। ये वेदों की है वाणी, ऋषि मुनियों ने बखानी। आओ सुनाऊं भक्तों श्री गणेश की कहानी, आओ सुनाऊं भक्तों श्री गणेश की कहानी। आइए भक्तों, भगवान गणेश के 8 अवतारों की पावन गाथा सुनते हैं। देव गजानन का प्रथम अवतार वक्रतुंड रूप का है। भक्तों, देवा ने यह अवतार मत्सरासुर का वध करने हेतु धारण किया था। मत्सरासुर नामक दैत्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर अनेक अनेक वरदान प्राप्त किए थे, और अपने बल के अनुसार उसने स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया था। तब देवों के आह्वान पर देवा ने वक्रतुंड का रूप धारण किया और मत्सरासुर तथा उसके पुत्रों का वध किया तथा देवी देवताओं के कष्टों का हरण किया। ऐसे ही भक्तों, अपने दूसरे अवतार में बप्पा ने एक दंत का रूप धारण किया और मदासुर का अंत कर देवी देवताओं के कष्टों का हरण किया। सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान गणपति गणेश की जय जयकार बुलाई। वन वक्र तुंड देवा मत्सरासुर को मारा, वन वक्र तुंड देवा मत्सरासुर को मारा, और एक दंत बन के है मदासुर संघारा। देवों की रक्षा कीनी कीर्ति सभी बखानी, आओ सुनाऊं भक्तों श्री गणेश की कहानी। अपने तीजे अवतार में गणपति गणेश महाराज ने महोदर का रूप धारण किया था। भक्तों, नाम के अनुसार इस अवतार में देवा का बहुत बड़ा पेट है तथा ये मूषक की सवारी करते हैं। जब मोहासुर ने स्वर्ग पर चढ़ाई करी तब सभी देवी देवताओं के आह्वान पर देवा ने मोहासुर से युद्ध कर उसे हरा कर अपने अधीन कर लिया था। भक्तों, देवा का चतुर्थ अवतार है गजानन अवतार। जब लोभासुर से युद्ध करने देवा आए तो लोभासुर ने उनकी शक्ति को देखकर बिना युद्ध करे ही उनके चरणों में समर्पण कर दिया तथा पराजय स्वीकार कर
भगवान श्री गणेश की आधीनता स्वीकार की। महोदर का रूप धारा मोहासुर हराया, महोदर का रूप धारा मोहासुर हराया, गजानन से हार मानी लोभासुर शरण में आया, असुरों ने क्षमा मांगी आधीनता भिमानी। आओ सुनाओ भक्तों श्री गणेश की कहानी। अपने पंचम अवतार में गणपति गणेश भगवान ने लंबोदर का रूप धारण किया और देवों पर अत्याचार करने वाले क्रोधासुर को युद्ध में परास्त कर उसे सदा सदा के लिए पाताल लोक भेज दिया। अपने छठे अवतार में भगवान श्री गणेश जी ने विकट का रूप धारण किया था भक्तों, और मोर की सवारी कर शिव से वरदान प्राप्त किए हुए कामासुर का वध कर उसके अत्याचारों का अंत कर दिया था। देवी देवताओं ने एक बार फिर गौरी नंदन भगवान श्री गणेश के चरणों में प्रणाम कर उनकी जय जयकार की। लंबोदर बने तो क्रोधासुर को हराया, वन जब विकट है देवा कामासुर मिटाया, वन जब विकट है देवा कामासुर मिटाया, असुरों ने घुटने टेके और हार अपनी मानी। अपने सप्तम अवतार में भगवान गणपति गजानन ने विघ्नराज का रूप धारण किया था भक्तों, और जब ममासुर ने अपने बल से सभी देवी देवताओं को अपना बंदी बनाकर उन्हें कैद कर लिया था, तब विघ्नराज रूप में देवा ने असुर को परास्त कर देवों को उसकी कैद से मुक्त कराया था। अपने अष्टम अवतार में भगवान श्री गणेश ने धूम्रवर्ण का रूप धारण किया और महाशक्तिशाली दैत्य अहंतासुर का अंत कर देवी देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्त किया था। तो आइए भगवान श्री गणेश के आठों अवतारों की जय जयकार करें। बोलिए गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश जी महाराज की। बने आप विघ्न राजा ममासुर को था हराया, बने आप विघ्न राजा ममासुर को था हराया, और धूम्रवर्ण बन के अहंतासुर मिटाया, चंदन तिलक न देवा महिमा तो है बखानी।